गुड मॉर्निंग हेलो दोस्तों। तो आज हमें बहुत भूख लगी थी और अब आए हैं अलवर स्वीट्स एंड नमकीन। हाँ, क्या क्या खाओगे आज यहाँ? आज हम बहुत कुछ खाएंगे, टिपिकल दिल्ली वाला खाना, जैसे कि भटूरे, छोले, ब्रेड पकौड़े, समोसे, जलेबी। ओए होए, इतना खा लेगा? नहीं नहीं, जो मंगाएंगे वो खाएंगे। जो मंगाएंगे वो खाएंगे। दिखा क्या क्या है इधर, बता। इधर बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे कचौड़ी है, रही है रा ब्रेड पकौड़ा, ये पनीर पकौड़ा। अच्छा, पनीर पकौड़ा है ये देखो। अच्छा, और ये क्या है? समोसे। समोसे। और तू क्या खाएगा पहले? भटूरे छोले। भटूरे छोले, ओके। तो चलिए दोस्तों, सुबह हो गई है और हम हैं गुड़गांव में और ये है व्यापार केंद्र। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, उसका व्लॉग भी मैंने एक बार बनाया था, लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा अलग होगा क्योंकि मैं व्यापार केंद्र में हूँ लेकिन किसी और जगह पे हम लोग नाश्ता करने आए हैं। यहाँ का खाना हमें बड़ा पसंद है खा, क्योंकि फ्रेश गर्मा गर्म दिल्ली गुड़गांव का जो स्पेशलिटी आइटम्स होते हैं ना, वो यहाँ पर मिलते हैं। और इन भाई साहब को भी नन्हे मुन्ने साथी को चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो हम दोनों आ गए हैं। लता नहीं आई हमारे साथ अभी, अभी थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेगी। तब तक हमने सोचा कि मैं और आरव नाश्ता करने आ जाए, तो हम आ गए। तो चलिए अब करते हैं अलवर स्वीट्स एंड नमकीन में नाश्ता और आज का दिन शुरू करते हैं। चलिए, ये देखिए आ गए हैं दोस्तों, ये आ गए हमारे बहुत सुंदर प्यारे से भटूरे छोले। भटूरों का साइज देखिए, बिल्कुल दिल्ली वाला साइज, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए खाएं। और देखो छोटा छोटा पनीर भी दिख रहा है इसके अंदर। देखते हैं कैसा होता है। और ये देख क्या है दिल्ली, समोसा। चटनियाँ दे दो एक अलग प्लेट में डाल के। अब हम इसको करेंगे पुश और शुरू करेंगे खाना। ना करो पुश, गर्मा गर्म है, ध्यान रखना। हाँ, हो जाए थोड़ा ठंडा। तो दोस्तों अब ये भटूरा है बहुत गर्म, तो नन्हे मुन्ने साथी कहते हैं कि पापा आप शुरू कर लो, पहले ठंडा होएगा तो मैं खाऊंगा। अरे वाह, पनीर नरम नरम पड़ा हुआ है छोलों के अंदर और मुँह में पानी आ रहा है। जल्दी आ जा यार, यहाँ पर कुछ अलग ही स्वाद आता है। दिल्ली में, NCR में, कई जगह भटूरे छोले खाओ, कमाल का टेस्ट होता है। अलग अलग भी होता है लेकिन ये जो स्वाद है ना, कहीं नहीं मिलता। खास करके जब यदि सर्दियाँ पड़ रही हो, मौसम इतना मस्त हो, तब ऐसे गर्मा गर्म चीज़ें खाने का मज़ा भी आता है। क्यों आरव? हाँ जी बिल्कुल। आपने जो अचार दिया ना आरव, एक गाजर, और ये सर्दियों में बहुत मिलता है दिल्ली में, और इसे आया था डबल मज़ा। मूली भी दी है काट के, देखो मूली है, मस्त है। अब मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब रुको भैया, बस ये लास्ट बाइट। अभी दुआ, अभी ठंडा भी हो गया। तो भैया नन्हे मुन्ने साथी ने भी खाना शुरू कर दिया। अब ये बताएंगे क्योंकि इनकी फेवरेट डिश है ये भटूरे छोले, मुँह में तो बहुत खाता है, यहाँ का टेस्ट कैसा भाई? मुंबई में ऐसा ही होता है, पर थोड़ा ज़्यादा फ्लेवरफुल है। यहाँ ज़्यादा फ्लेवरफुल है, मसालेदार। और मसालेदार है, और तेरे को मसालेदार चीज़ें बहुत पसंद है कि नहीं? क्या बात है, चलो एंजॉय करते हैं भटूरे छोले, फिर आएंगे दूसरे आइटम पर, क्यों? हाँ जी हाँ। दोस्तों ख़त्म होने आ रहे हैं छोले भटूरे, लेकिन छोले चाहिए। और यहाँ की खास बात यह है, छोले कितने भी मंगाओ, अनलिमिटेड छोले हैं यहाँ पर। जैसे ख़त्म होते जाओ होते हैं, ये गर्मा गर्म ला कर आपकी प्लेट में डाल देते हैं। यही है ना दिल्ली का दिल। नहीं आगे छोड़, ज़्यादा मत डालना, थोड़ी डालना, बस बस। हाँ हाँ हाँ, चलो इन्हें भी ख़त्म करते हैं। भाई भाई भाई, खाओ खाओ खाओ। तो दोस्तों खा तो लिए हमने छोले भटूरे, साथ में इन्होंने समोसे के साथ दिए हैं अलग अलग चटनियाँ, मीठी भी और तीखी भी। नन्हे मुन्ने साथी का पेट भर गया, लेकिन मैंने कहा समोसा खाए बिना मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से, और इसको भी जरूर खिलाऊंगा। वाह, टिपिकल दिल्ली, पनीर, मटर, आलू पड़ा होगा, मसाला ज़्यादा हॉट और स्पाइसी नहीं है, मीडियमली स्पाइस्ड है। और अभी आए थे बनकर गरम गरम, इसलिए खाने में यम यम। नाश्ता मिल जाए रोज़ तो क्या हाल होगा, क्योंकि ऐसा स्वाद है ये इररेजिस्टिबल है। बाय गॉड,
सच में। तो दोस्तों अभी नाश्ता ख़त्म करेंगे और आज हम चलेंगे दिल्ली दर्शन के लिए। आज आपको कुछ जगहें देखनी है, इसे वहाँ पर लेके जाएंगे, घूमें फिरेंगे पूरा दिन और हर जगह आपको भी दिखाएंगे और हमारे साथ आपको भी घुमाएंगे। तो एज यूजुअल बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों निकल पड़े हैं हम गुरुग्राम से दिल्ली की ओर और आज प्रोग्राम है दिल्ली दर्शन का और ये हैं हमारे सारथी, हमारे भाई, हमारे क्या बोलेंगे गाइड आज के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे और क्या हाल करेंगे हमारा। हेलो फ्रेंड्स वाले ये बैठे हैं दूसरे, पेट भर गया ना खा के समोसे भटूरे छोले, वाह गर्म 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 चाय भी बड़ी मस्ती है ना कुल्लड़ वाली। तो चलिए दोस्तों दिल्ली चलते हैं। हेलो हेलो वी आर बैक हाउ दोस 2.0। सो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं पुरानी दिल्ली और यहाँ का मशहूर रेड फोर्ट देखने के लिए, देखो जरा है ना। और ये रवि और गौरव है हमारे साथ, ये भी आज घूमने आए हैं और ये नन्हे मुन्ने साथी और जिन्होंने मतलब मुंह छुपाया हुआ है मेरी तरह, वो तो आप जानते ही हैं कौन है। तो चलते हैं लाल किले के अंदर और देखते हैं ये खूबसूरत फोर्ट। तो दोस्तों शोर शराबा बहुत है क्योंकि हम हैं इस समय जामा मस्जिद के सामने बिल्कुल और यहाँ पर है अल जवाहर रेस्टोरेंट, उसके पीछे है करीम्स। तो हम जा रहे हैं करीम्स आज खाना खाने और पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन इन गलियों से गुजरकर जो खाना मिलता है बोल सकते हैं ना रियल मुगलाई फूड। अरे करीम्स होटल एज यू कैन सी एस्टैब्लिश 1913, यानी करीबन 110 साल पुराना होटल है यहाँ पर। और खाना देखिए 4 बज गए हैं लेकिन अभी भी रेस्टोरेंट बिल्कुल फुल है और धमाधम खाना मिल रहा है। चलिए चलिए दोस्तों पहली आ गया है डिश, ये है मटन बर्रा, यहाँ का फेमस करीम्स का तंदूरी मटन विद बोन है ये। चलो शुरू हो जाओ भाइयों, वेट कर रहे हैं अटैक करने की। ये सो सीधा गया बिना समय नहीं मिला इनको दिखाने के लिए खाते हुए। सुपर सॉफ्ट, अच्छा सुपर नाइस, वेरी नाइस, मेल्टिंग इन द माउथ। वाह चलिए मैं भी खाकर देखता हूँ कैसा है ये बर्रा। तो ये है बर्रा, जैसे कि अभी गौरव ने बोला सॉफ्ट मेल्टिंग इन द माउथ, अगर करीम से आके बर्रा अच्छा नहीं मिलेगा ना तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स नॉन वेजिटेरियन फूड राइट फ्रॉम द तंदूरी टू द स्टार्टर्स टू द मेन कोर्स, सो अ गुड स्टार्ट टू अ मील एट करीम। तो दोस्तों खाना आ गया, थोड़ा सा आधा आया है, ये अगेन करीम का फेमस हमने मंगाया मटन कोरमा और ये खमीरी रोटी, खमीरी रोटी है साथ में इसके और ये कोरमा। गौरव जी ले रहे हैं पहले ले रहे हैं। ये रोटी की खास बात देखिए, खा के पता चलेगा खमीरी रोटी कैसे होती है। वाह क्या बात, सही है। आप लोग मोंडी ओके, ओहो हो ग्रेवी, ग्रेवी के ऊपर ये रोगन इतना आया हुआ है, मुगलाई खाना और उसके ऊपर रोगन, यानी कि तेल ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सही है ना। चलिए अब ये खमीरी रोटी के साथ
खाकर देखते हैं ये मटन कोरमा। बहुत ही फ्लेवरफुल है, जो मुगलाई खाने के टिपिकल फ्लेवर्स होते हैं वो इसके अंदर है। एंड कैसे डिस्क्राइब करोगे इसके टेस्ट को तुम लोग बताओ? जैसे कोरमे का होता है bit of those rose water kevda flavor hai buttery and it's not buttery it's oily same thing but bina oil ke aur bina is masalon ke na korme ka maza aayega bhi nahi samjhe bahut badhiya ha bahut badhiya taste bahut with the crunch nice aha ha ye dekhiye rumal jaisi rumali roti soft nice aha aro you try this maine kabhi khayi rumali roti patli si rumali roti saath mein khurma iske baad bhi khake dekhte hain main aata bata maila khamiri roti rumali roti aur kuch ye tandoori roti ko khamiri roti bolte hain khamiri roti ko tandoori roti bolte hain kamaal फ्रेंड्स अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं बिरयानी जिसके बिना मुगलाई खाना अधूरा होता है। चावल तो आते ही एंड में खाने के वैसे इंडियन फूड में, लेकिन मुगलाई खाने में बिरयानी का आना मस्ट है। लेट्स ट्राई। ओह नाइस पीस ऑफ चॉप। जब कुछ रायता वायता देते नहीं ये लोग साथ में, लेकिन चटनी और प्याज एक्सीलेंट है, उसके बाद मज़ा आया था। नाइस सिंपल वेरी माइल्डली फ्लेवर्ड बट आई गेट अ लॉट ऑफ केवड़ा अगेन रोज वाटर सैफरन इतना नहीं है बट एक है अलग सा टेस्ट। एक्चुअली पूछे तो मुझे ये बिरयानी फ्रेंकली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो कोरमा वॉज वेरी गुड, द खमीरी रोटी वॉज वेरी गुड, बिरयानी इज वेरी पॉसिबल। ओके ओके राइट मिस कर सकते हैं इसको बिरयानी को। Kebab and gravies are very good, excellent. Biryani, you can give it a miss over here, definitely. Anji, aa gayi ek Mughlai sweet dish, phir nahi. Firni is good. Thodi si danedar hai, meetha ekdam exact hai. और आप लोग सोचे होंगे इतने सारे चमचे किस पे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे इतने प्यारे प्यारे इतने सारे भाई बैठे हैं, ये भी खाएंगे। खा के देखो और बताओ कैसी है। हैं जैसे आपने कहा मीठा बहुत कंट्रोल्ड है, है। घंटी नहीं खाएगा एक चम्मच? ऐसे बीच शूटिंग में खड़े नहीं हो सकते वैसे? नो 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 सिट डाउन नाउ ईट। It's nice. हाँ मिलेगी वापस? धन्यवाद। अच्छा ऐसे आएगी वापस? नहीं नहीं अभी ऐसे ऐसे राउंड मारते जाओ, एक चम्मच खाते जाओ। तो भाई मज़ा आ गया कभी उसमें आके खाना खाना का। एयरपोर्ट देख लिया, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारे साथ कोई और भी था जो आपको इस लंच टेबल पे नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है और उनकी शक्ल आप देखकर समझ सकते हैं। हम तो बड़ी खुश रही हैं लेकिन इन्हें बड़ी भूख लगी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं खाया है। बिकॉज बीइंग अ वेजिटेरियन उनको यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था इतनी सारी नॉन वेज डिशेज को देख कर। अभी हम इनको लेकर चलेंगे और कहीं अच्छा सा कुछ वेजिटेरियन इनकी पसंद का खिलाएँगे और इनकी फेवरेट कॉफ़ी पिलाएँगे, नहीं तो ये हमको खा पी जाएंगी। चलिए तो दोस्तों दिल्ली में हो गई है शाम और ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक बस खाइए पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।